झांसी के मोर तहसील क्षेत्र के समथर नगर पालिका इलाके में अमृत जल योजना के तहत बन रहे पंप हाउस एवं नगर में बिछाई जा रही पाइपलाइन कार्य का झांसी जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के दौरान पंप हाउस एवं स्टॉप माल का भी निरीक्षण किया गया। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला मोर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले समथर नगर पालिका का है, जहां अमृत जल योजना के तहत बनाए जा रहे दो पंप हाउस, जिसमें एक समथर नगर में पावर हाउस के पास जबकि दूसरा जीआईसी के पास बनाया जा रहा है। दोनों का जिलाधिकारी झांसी अविनाश कुमार ने औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण के दौरान अमृत जल योजना के तहत बिछाई जा रही पाइपलाइन का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाइपलाइन को बिछाने एवं नियमानुसार काम किया जा रहा है कि नहीं, इसके साथ ही ये गुणवत्तापूर्ण काम हो रहा है कि नहीं, वहीं इस काम को जुलाई 2025 तक पूर्ण होना है। कार्य की जो गति है वह कम नहीं, समय से कार्य पूर्ण करने के लिए काम सही हो रहा है कि नहीं, इसके साथ ही वहां पर जल योजना के तहत स्टॉक में रखे सामान का भी निरीक्षण किया। देखिए, अमृत कार्यक्रम के अंतर्गत समथर नगर पालिका में पेयजल योजना का गठन किया गया है, उसी का कार्य यहाँ पर चल रहा है। उसी का औचक निरीक्षण करके देखा गया है कि यहाँ पे पेयजल योजना जो जुलाई 2025 तक पूर्ण होनी है, तो उसकी क्या प्रगति है। तो जैसे लगभग जो राइजिंग मेन पड़नी है 4.5 किलोमीटर की, उसमें से 2 किलोमीटर राइजिंग मेन डाली जा चुकी है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 27 किलोमीटर का है, जो कि अभी थोड़ा सा पीछे चल रहा है, उसी के लिए उसको देखा। और साथ ही साथ क्वालिटी का काम हो रहा है कि नहीं, और जैसे 8 ट्यूबवेल खोदने थे, उसमें ट्यूबवेल खोदने का कार्य हो चुका है, पर पंपिंग स्टेशंस बनाए जा रहे हैं, बिजली के कनेक्शंस लेने हैं। और इसके अलावा 2 हमें ओवरहेड टैंक्स बनाने थे, जिनकी पाइलिंग का काम कंप्लीट हो गया, बट ओवरहेड टैंक्स अभी शुरू नहीं हुए। तो इसमें संबंधित को निर्देशित किया है कि आप त्वरित गति से इस पर कार्रवाई करें, और जिससे जुलाई 2025 तक हम लोग इसको पूर्ण कर सकें।